बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हमने ये चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है, तो अभी मैं आपको उसी से रिलेटेड ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर कांग्रेस हमारे पास मौजूद है, तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर कांग्रेस को हमने चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए से हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई है, एक्सिस कांग्रेस टू 1 mod 3 एंड एक्सिस कांग्रेस टू 2 mod 5, एक्सिस कांग्रेस टू 3 mod 7, इसका हमने अब सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए अभी हमने जो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था उसका जो सोल्यूशन था, ये उसके अंदर जो भी हमारे पास चीज़ें यूज़ हुई थी, हमने उसी को इसके अंदर यूज़ करके सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी हमने ये चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम में जो सोल्यूशन पढ़ा था वो ये था, एक्सिस कांग्रेस टू वाई मॉड एम, और वाई का हमें पता है कि वाई हमने लिखा था m1 y1 c1 प्लस m2 y2 c2 प्लस m3 y3 c3 अप टू सो ऑन m k y k c k। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हमने पढ़ा था। तो अब इसमें क्योंकि हमारे पास ये थ्री सिस्टम में थ्री इक्वेशन या लीनियर कांग्रेस जो है वो थ्री है, तो इसीलिए हम इसको थ्री टर्म्स तक ओपन करेंगे। तो अब आपने जो भी हमारा गिवन सिस्टम होगा उसका ये वाला सोल्यूशन होगा, इसके अंदर जस्ट हमने ये टू वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, एक y की वैल्यू और एक ये कैपिटल M जो मॉड है। तो ये इसमें कैपिटल M का हमें पता है कि मॉड जितने भी मॉडल्स के अंदर जितने भी वैल्यूज थी, ये M उन वैल्यूज़ की प्रोडक्ट था। ठीक है, तो Y जो था वो इसके इक्वल है। अब हमने ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड करनी है और इसी के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इधर से हमारा ये सोल्यूशन आ जाएगा। तो y हमारा इक्वल था m1 y1 c1। ठीक है, तो अब इसमें हमने m1 y1 c1 m2 y2 c2 ये वाली सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो कैपिटल M का हमें पता है कि ये इक्वल होता है M, मतलब मॉड के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उसके प्रोडक्ट के, तो m1 m2 और m3 के प्रोडक्ट के इक्वल होगा कैपिटल M। तो इसमें जो m1 है हमारा, ठीक है, ये वाला m3 जो है ये m1 है, 5 जो है वो m2 है, 7 जो है वो m3 है, ये हमारे पास c1 है, ये c2 है और ये वाली वैल्यू c3 है। तो ये वाली वैल्यूज़ हम इधर से चूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने इधर लिख दी है सारी वैल्यूज़। तो इधर m1 m2 m3 को मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये कैपिटल M हमारे पास 105 आ गया। तो अब हमने ये y1 y2 और y3 इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इनकी वैल्यूज़ के लिए हमारे पास फार्मूला था, क्योंकि अब इसमें जो yi था ये मैंने mi का इन्वर्स लिया था, तो ये इधर मैंने इन्वर्स जो थे इन्वर्स की डेफिनेशन इधर यूज़ कर ली, mi yi इस कांग्रेस टू 1 mod m, मतलब किसी भी एलिमेंट के इन्वर्स से मुराद ये होता है कि आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो 1 mod m पे वो कांग्रेट होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप इसमें i जो हमारा वेरी करा 1 2 3, तो आप इसमें i की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी आपके पास m1 y1 कांग्रेस टू 1 mod m1। जब आप m की जगह पे 2 पुट करेंगे तो वो m2 y2 कांग्रेस टू 1 mod m2 आ जाएगा। जब आप i की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये आपके पास m3 y3 कांग्रेस टू 1 mod m3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद इधर से हम y1, y2 और y3 की वैल्यूज इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वो थ्री वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, इसमें ये जो m1, m2 फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला था, कैपिटल mi इज इक्वल टू कैपिटल m ओवर स्मॉल mi। तो इसमें आप i की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा m1 इज इक्वल टू कैपिटल m ओवर स्मॉल m1। तो कैपिटल m की वैल्यू 105 हमने फाइंड की थी, स्मॉल m1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, इनको डिवाइड करेंगे 35 आ जाएगा। इसी तरह से m2 के लिए हम करेंगे कैपिटल M ओवर स्मॉल m2, तो कैपिटल M की वैल्यू 105 और स्मॉल m2 की वैल्यू जो है वो 5 है, इनको डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा। इसी तरह से m3 की वैल्यू हमारे पास 15 आ जाएगी। ठीक है, तो ये m1 m2 m3 की वैल्यूज़, ये इधर जो पीछे हमारे पास 3 इक्वेशंस थी, m1 y1 कांग्रेस टू 1 mod m1, m2 y2 कांग्रेस टू 1 mod m2, m3 y3 कांग्रेस टू 1 mod m3, इसके अंदर आप ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास 3 न्यू इक्वेशंस बन जाएंगी, 35 y1 कांग्रेस टू दिस वन। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है, जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में जो लीनियर कांग्रेस का सोल्यूशन फाइंड करते हैं ना, बिल्कुल उसी मेथड से अब आपने इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो मैं इसमें से आपको एक इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो बाकी उसी पैटर्न में हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट में हमने पहले तो ये चेक किया कि 35 और 3 ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन इसका फाइंड करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसका GCD को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए हम इसको इस पर यूक्लिडियन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम 35 और 2 पे अप्लाई किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से चीज़ें आ गई। ठीक है, तो हमने क्योंकि 35 का इन्वर्स फाइंड करना था, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद
ये 35 का इन्वर्स जो हमारे पास माइनस वन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, लीनियर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये हम लास्ट लेक्चर्स में बड़ी डिटेल के साथ इसको कर चुके हैं। ठीक है तो इधर 35 का कॉफिशेंट जो है वो माइनस वन है, तो इधर से इसका मतलब ये हुआ कि 35 का इन्वर्स जो है वो माइनस वन होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस माइनस वन को जो गिवन हमारे पास कांग्रेस वाली इक्वेशन थी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों पर। ठीक है ये इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 35 माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होकर, क्योंकि ये इसका इन्वर्स था तो ये वन हो जाएगा, इधर वाई वन रह जाएगा, जस्ट ये मल्टीप्लाई होकर माइनस वन मॉड थ्री आ जाएगा। तो माइनस वन को जब थ्री को माइनस वन पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो टू आ जाएगा। ठीक है तो वाई वन इज कांग्रेस टू टू मॉड थ्री, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है वाई वन की। ठीक है तो इसी पैटर्न पर हम इसकी जो दूसरी वैल्यूज़ हैं वो भी फाइंड करेंगे। अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, ये y1 की वैल्यू आ गई, इसी पैटर्न पे चलते हुए हम इधर से ये y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें y2 की वैल्यू जो है हमारे पास वो आ जाएगी 2 mod 3। ठीक है y1 की वैल्यू आ गई 2 mod 3, सिमिलरली y2 और y3 की वैल्यूज आ जाएंगी 1 mod 5 एंड 1 mod 7। ठीक है तो इसके बाद आप क्या करेंगे, ये हमारे पास y1 की वैल्यू 2 आ गई, y2 की वैल्यू 1 आ गई, y3 की वैल्यू भी 1 आ गई, तो ये हमारे पास अब कैपिटल M1 की वैल्यू, C1, C2, C3 की वैल्यूज़ और y1, y2 ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है। इन सारी वैल्यूज़ को आप y के अंदर पुट करेंगे तो इधर से हमारे पास y का जो आंसर है वो 157 आ जाएगा। ठीक है इसके अंदर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद y जो है वो 157 आ जाएगा। तो ये वाली y की वैल्यू जो है आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो इधर से हमारा आ जाएगा x कांग्रेस टू 157 मॉड 105, और ये 157 क्योंकि 105 से ग्रेटर वैल्यू थी तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं कि x इज कांग्रेस टू 52 मॉड 105। इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 52 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस पैटर्न पे आप लोगों ने इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व करने हैं। चलिए इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। तो इस एग्जाम्पल में ये आपके पास स्टेटमेंट है कि 3x इज कांग्रेस टू 2 mod 5, 6x इज कांग्रेस टू 4 mod 14 एंड 10x। तो स्टूडेंट सबसे पहले काम तो इसमें हमने ये करना है कि x के कोफिशिएंट्स इसमें 1 बनाने हैं। तो x के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों या सिंपली अब ये कह लें कि इन तीनों कांग्रेस का हमें सोल्यूशन चाहिए। तो इन तीनों कांग्रेस का सोल्यूशन जो है वो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल उसी मेथड से आप लोगों ने इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेना है। ठीक है तो जो रिलेटिवली प्राइम होंगे इसमें, मतलब अगर 3 और 5 रिलेटिवली प्राइम है तो उसका यूनिक सोल्यूशन आएगा, अगर ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो जो भी इसका GCD आएगा इसके उतने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो ये तो रिलेटिवली प्राइम है तो उसका यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। 6 और 14 जो है इसका GCD 2 आएगा, मीन्स इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके हमें 2 सोल्यूशन मिलेंगे। 10 और 11 का GCD हमारे पास, ये भी रिलेटिवली प्राइम है तो इसका भी यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो जब आप इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से सोल्यूशन आ जाएंगे, x इज कांग्रेस टू 4 mod 5, x इज कांग्रेस टू 3 और 10। अब ये क्योंकि इसका GCD 2 आया था इसीलिए इसके 2 सोल्यूशन आपके पास आ गए 3 और 10, वो मैंने इधर इकट्ठे लिख दिए, x इज कांग्रेस टू 3, 10 mod 14, और इसी तरह से x इज कांग्रेस टू 8 mod 11। तो इधर हमारे पास अब 2 केसेस बनेंगे जस्ट इसी इक्वेशन के लिए, इसके क्योंकि 2 सॉल्यूशंस थे तो इसीलिए हम इसके 2 जो केसेस बनेंगे। अगर इधर 3 सॉल्यूशंस आ जाएंगे तो इसके 3 केसेस या 3 होल सिस्टम के आपके पास 3 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो इसके 2 केसेस बन गए, मतलब 2 केसेस हमने इस तरह से बनाने कि ये वाली दोनों वैल्यूज तो इसकी सेम रहेंगी। फर्स्ट केस में हम पहले 3 के साथ सॉल्व करेंगे, बाद में सेकेंड केस में हम इसको 10 के साथ सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं पहले जो है वो 3 के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है मैंने इधर x कांग्रेस टू 3 mod 14 इसका ले लिया। तो अब इसके लिए भी 3 mod 14 को इस सिस्टम को भी सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि द सिस्टम हैज़, इसका सोल्यूशन जो है जो हमने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था वो सोल्यूशन इधर लिखूंगा मैं। ठीक है वी नो दैट इट्स सोल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म, हमें पता है कि इस साइमल्टेनियसली लीनियर कांग्रेस सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो इस फॉर्म में आएगा, x इज कांग्रेस टू y मॉड कैपिटल M। ठीक है तो इसमें y का अभी मैंने पहले भी बताया, अब इसमें भी क्योंकि ये 3 कांग्रेस हैं तो y आपके पास क्या होगा, y इधर से आपके पास आ जाएगा M1 Y1 C1 प्लस M2 Y2 C2 प्लस
एम थ्री वाई थ्री सी थ्री, ठीक है। और ये कैपिटल एम जो है, कैपिटल एम आपका इक्वल होगा एम वन इंटू एम टू इंटू एम थ्री। इसमें ये वाली वैल्यू हमारे पास एम वन है, ये वाली वैल्यू हमारे पास एम टू है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास एम थ्री है। इसी तरह से ये सी वन है, ये सी टू है, और ये सी थ्री है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास इधर मौजूद हैं। तो इधर सी वन, सी टू, सी थ्री, एम वन, ये वाली वैल्यूज तो आ गई। अब हमारे पास रिमेनिंग टू वैल्यूज बच गई, एम वन और वाई वन, एम टू वाई टू, ये वाली वैल्यूज अब हमने फाइंड कर दी है। तो एम वन की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें पता है कि कैपिटल एम ये इक्वल होता है कैपिटल एम ओवर एम आई, ठीक है। तो पहले तो हम ये कैपिटल एम की वैल्यू इधर फाइंड कर लेते हैं। तो इधर आप एम वन, एम टू, एम थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइव फोर्टीन इंटू इलेवन, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा डबल सेवन ज़ीरो, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल, मतलब कैपिटल एम की वैल्यू हमारे पास डबल सेवन ज़ीरो आ गई। तो इसमें आपके पास कैपिटल एम डबल सेवन ज़ीरो है, ये एम आई है। तो इसमें मतलब जब आप आई वन की बात करेंगे तो ये एम वन हो जाएगा और इधर भी एम वन आ जाएगा। तो एम वन की वैल्यू हमारे पास क्या है, फाइव। तो डबल सेवन ज़ीरो को आप जब फाइव पर डिवाइड करेंगे तो ये M1 की वैल्यू हमारे पास 154 आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा कैपिटल M1। सिमिलरली कैपिटल M2 के लिए क्या होगा, ये कैपिटल M ओवर M2, ठीक है। तो कैपिटल M आपके पास डबल सेवन ओवर M2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 14। इसको जब आप 14 पे डिवाइड करेंगे तो 14 पे डिवाइड करने के बाद आपके पास 55 आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से आप इधर से M3 इसका फाइंड कर लेंगे और M3 का आंसर जो है हमारे पास वो आ जाएगा कुछ इस तरह से 70, ठीक है। M3 भी जब आप ऐसे ही इसको डिवाइड करके वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो वो M3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, आंसर आ जाएगा इसका। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि अब इसमें, क्योंकि इसमें तो अब इसके कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी 1 है, अब हमने इधर से y1 y2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो y1 y2 की वैल्यूज़ के लिए जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला कुछ इस फॉर्म में था, अच्छा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो कुछ ऐसे था, एम आई वाई आई इज कांग्रेस टू वन मॉड एम आई, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला था इनवर्स का, मतलब एम आई और वाई वन की वैल्यूज फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें अब क्योंकि हमारा आई वेरी कर रहा है वन टू एंड थ्री, तो आप इसमें जब ये वाली सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, एम वन वाई वन इज कांग्रेस टू वन मॉड एम वन एंड एम टू वाई टू कांग्रेस टू वन मॉड एम टू एंड एम थ्री वाई थ्री इज कांग्रेस टू वन मॉड एम थ्री, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसमें आप ये एम वन एम टू की वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास जो ये लीनियर कांग्रेस इस इधर से जो इक्वेजन आपके पास बन जाएगी वो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, 154 y1 इज कांग्रेस टू वन मॉड फाइव, ठीक है। और इधर से जो आपके पास इक्वेजन आ जाएगी 35 y2 इज कांग्रेस टू वन मॉड 14, और इधर से आपके पास जो इक्वेजन आ जाएगी 70 y3 इज कांग्रेस टू वन मॉड 11, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली अब आपके पास थ्री इक्वेशंस बन गई हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इन तीनों इक्वेशंस का जो यूनिक सॉल्यूशन है वो फाइंड करना है। यूनिक सॉल्यूशन अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल में एक मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई थी, तो अब उसी तरह से आप लोगों ने इसको भी सॉल्व कर लेनी। तो इधर जस्ट मैं इन तीनों लीनियर कांग्रेस के जो आंसर आएंगे वो मैं इधर आपके सामने लिख रहा हूँ। तो इधर इन तीनों कांग्रेस के इनको सॉल्व करने के बाद, मतलब वाई 154 का आप इनवर्स फाइंड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई वन की वैल्यू आ जाएगी, 35 का इनवर्स फाइंड करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई टू, इस तरह से आप ये सारी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो इधर से आपके पास जो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा वाई वन इज कांग्रेस टू फोर मोड फाइव, वाई टू इज कांग्रेस टू 13 मोड 14 एंड वाई थ्री इज कांग्रेस टू 3 मोड 11, ठीक है। इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास y1 y2 y3 की ये थ्री वैल्यूज़ आ जाएंगी।
अब हमने क्योंकि ये y की वैल्यूज फाइंड करनी है और y का आपको पता था m1 y1 c1 plus m2 y2 c2 plus m3 y3 c3 था, तो जब आप y की ये वाली वो सारी वैल्यूज इस y के अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू सारी सब्सटीट्यूट करने के बाद आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस y की वैल्यू को आप लोग इक्वेशन नंबर वन में सब्सटीट्यूट करेंगे और इक्वेशन नंबर वन हमारे पास क्या थी, x इज कांग्रेस टू y मॉड कैपिटल m। तो इसमें अब हमने ये y की जो वैल्यू फाइंड की है वो 6289 और मॉड कैपिटल m की जो हमारे पास वैल्यू थी वो 770 थी। अब इस वैल्यू को जब आप इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 129 मॉड 770 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब हमने क्योंकि हमारे पास स्टार्ट में जो इसको हमने सॉल्व किया था तो उसके टू केसेस हमने बनाए थे, मीन्स के टू सॉल्यूशंस आपके पास एक कांग्रेस के थे, तो हमने उसको एक केस में चेंज किया था। अब आप उसी का जो सेकंड केस है उसको हम सॉल्व करेंगे इधर। ठीक है, तो सेकंड केस में इसी क्वेश्चन का जो सेकंड केस है वो आपके पास अब ये बनेगा। मतलब पहले हमने इसी सिस्टम को सॉल्व किया था, इधर से एक्स इस कांग्रेस टू, इधर टू सॉल्यूशन थे ना सेकंड वाले लीनियर कांग्रेस के, थ्री और टेन के, थ्री के लिए मैंने पहले सॉल्व कर दी है, अब आप इसको टेन के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इधर आ जाएगा ये 8 mod 11। तो अब इस पे भी आप वही सारा काम करेंगे जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन पे किया, इसी के फर्स्ट पार्ट पे किया है, वही सारा काम आप इस पे अप्लाई करने के बाद इसके जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो मैं इधर जस्ट आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आपने जिस तरह से हमने पार्ट वन को सॉल्व किया है बिल्कुल उसी पैटर्न पे आप इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास इसका जो आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा, एक्स इज कांग्रेस टू 514 मोड 770। ठीक है, तो ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर आएगा। तो एंड पे हम क्या करेंगे, हैंस जो आपके पास गिवन सिस्टम है उसका अब ये टू आंसर आ जाएंगे, 129 एंड 514 मोड 770। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह से आपके पास गिवन सिस्टम के मतलब जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे आप के ये उतने ही इधर सिस्टम साइमल्टेनियसली इक्वेशन के भी उतने ही आंसर्स आ जाएंगे।